सो स्टूडेंट नेक्स्ट इज योर सिंक्रोनस कंडेंसर, और सिंक्रोनस कंडेंसर में हम बेसिकली सिंक्रोनस कंडेंसर, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, कंडेंसर होता है कैपेसिटर, ठीक है। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से हम लोग जो है फील्ड करंट दे के जो है वो जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है उसको ओवर एक्साइटेड भी कर सकते हैं, अंडर एक्साइटेड भी कर सकते हैं, और नॉर्मल भी नॉर्मली एक्साइटेड भी कर सकते हैं, राइट। सो आपने देखा था कि जब मैं उसको ओवर एक्साइटेड कर देता हूँ तो वो लीडिंग करंट ड्रॉ करना शुरू कर देती है, फाइन, है ना। तो सिंक्रोनस मोटर क्योंकि लीडिंग करंट ले सकती है, तो असिंक्रोनस मोटर टेक्स अ लीडिंग करंट व्हेन ओवर एक्साइटेड एंड देयरफॉर बिहेव्स एज अ कैपेसिटर। जो चीज़ लीडिंग करंट लेती है दैट, क्योंकि कैपेसिटर में लीडिंग करंट होता है, हमने पढ़ा हुआ है एसी में, तो कैपेसिटर में लीडिंग करंट होता है, इसीलिए वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है, इसीलिए उसका नाम हमने सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोल देते हैं, राइट। सो मैंने डेफिनेशन लिख दी कि एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन नो लोड। देखो नो लोड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये कंडीशन जरूरी है, लोड नहीं होना चाहिए उस मोटर पे, इज नोन एज सिंक्रोनस कंडेंसर। मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया हुआ है। व्हेन सच मशीन्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद इंडक्शन मोटर्स और अदर डिवाइसेस दैट ऑपरेट्स ऑन लो पावर फैक्टर, द लीडिंग केवीआर सप्लाइड बाय सिंक्रोनस कंडेंसर पार्टली न्यूट्रलाइजेस द लैगिंग रिएक्टिव केवीआर ऑफ द लोड, राइट। अब क्या करते हैं कि सिंक्रोनस, हमें पता है कि जितनी भी इंडक्शन मोटर हैं आपकी इंडस्ट्री में जो यूज होती हैं, दे बेसिकली ऑपरेट ऑन अ वेरी लो पावर फैक्टर, राइट। तो आप इंडक्शन मोटर लो पावर फैक्टर पे, लो पावर फैक्टर पे हमारे लॉसेज जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज में भी हमें पावर फैक्टर मीटर लगाना पड़ता है, ठीक है। सो दैट एंड दे आर आस्क्ड टू ऑपरेट ऑन हाई पावर फैक्टर इंस्टेड ऑफ लो पावर फैक्टर, राइट। सो यहाँ मैंने जैसे डायग्राम बनाया, जैसे थ्री फेज लोड है आपका लगा हुआ, तो यहाँ जो जो लोड है इसके पैरेलल में आपने ये मोटर लगाई हुई है। अब ये मोटर क्या कर रही है, यहाँ आई करंट आ रहा है, ये मोटर आई एम ले रही है, जो ये सिंक्रोनस मोटर है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये नो लोड पे आप देखें, तो ये ओवर एक्साइट मैंने सिंक्रोनस मोटर की, आप यहाँ ये जो करंट ले रही है इसको आईएम करंट है, तो ये लीडिंग करंट है, तो यहाँ मैंने आईएम करंट लीडिंग बताया हुआ, देखो ये 5 एम से लीड कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है, यहाँ से जो वोल्टेज आ रही है, फाइन। उसके बाद जो आईएल करंट है, जो लोड दे रहा है करंट, वो नेचुरली लैगिंग करंट है, ये जो इंडक्टिव लोड है तो लैगिंग करंट है, ये 5L यहाँ से यहाँ मैंने 5L शो किया है। अब IM और 5L का जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली दैट इज द मेन करंट। अब वो IL और 5L का कॉम्बिनेशन आप देखें तो I यहाँ आ रहा है, अब ये आप देखेंगे तो ये आपका लैगिंग जो है ये कम होगी, 5L से सीधा 5 पे पहुँच गई। सो दैट इज हाउ योर सिंक्रोनस कंडेंसर वर्क एंड इट इज यूज फॉर इम्प्रूविंग पावर फैक्टर इन अ सिस्टम, फाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच।